हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो महल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक कस्टमाइज रॉयल एनफील्ड हिमालयन है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट ये बाइक नहीं हुआ है। ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, एज ए प्रोटोटाइप है, और जो इसका नाम है वो रखा गया है रंबल 411। इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन कर रहे हैं थंडर क्लाउड मोटरसाइकिल्स, और मैं आप सभी को इस बाइक के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि इस मोटरसाइकिल में ऐसी क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं जो कि आप सभी को जानना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग इसका शेप देखिए, इसका शेप बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि अगर आप एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन कंपेयर करेंगे इससे, तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन काफ़ी लंबी काफ़ी ऊंची बाइक है, पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इसके परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के बारे में। सो इस मोटरसाइकिल में अभी अपडेटेड ECU लगाया गया है, जिसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ जाके इसके जो ECU के बारे में आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही अलावा यहाँ पर अगर ध्यान देंगे जो इसमें क्विक शिफ्टर भी लगाया गया है, और उसके साथ यहाँ पे जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो बैरल एग्जॉस्ट 2.0 यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको वीडियो के आगे सुनाऊंगा, सो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। अब शुरुआत करते हैं इसके व्हील्स के बारे में। सो यहाँ पर जो रियर टायर है वो यहाँ पर 160x60x R17 का टायर है, और जो फ्रंट टायर यहाँ पर लगाया गया है वो लगाया गया 120x70x17 का टायर, और पीछे का टायर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, काफ़ी चौड़ा है, और स्पेशली आप लोग पीछे का शेप देखिए तो बिल्कुल शॉर्ट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि हिमालयन में काफ़ी ऊंचा होता है, पर यहाँ पे आप लोग शेप देख सकते हैं पीछे का जो शेप है वो बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी बिल्कुल स्ट्रेट है, और बिल्कुल टैंक के सीधा सीधा यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने में लग रहा होगा। बेसिकली जो पीछे का पोर्शन यहाँ पे कट किया गया वो बेसिकली यहाँ पे वेट रिडक्शन के लिए किया है, और जो पीछे का जो ओवरऑल फ्रेम है वो पूरी तरह से यहाँ पर रीडिज़ाइन किया गया है। इस मोटरसाइकिल का जो स्प्रॉकेट है वो भी यहाँ पे कस्टम मतलब चेंजेस उसमें किए गए, उसकी भी जो टेक्निकल डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग हैंडल बार देखिए, हैंडल बार देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी अलग अच्छा डिज़ाइन है, और यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेडलाइट के बारे में, तो यहाँ पे कस्टम मेड 7-inch हेडलाइट का होल्डर इस्तेमाल किया हुआ, जो यहाँ पे हेडलाइट का साइज़ है वो यहाँ पे 7-inch की हेडलाइट है, और उसके साथ ही साथ आप अगर आप देखेंगे जो उसका टेल लैम्प था वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल सीट के बीचों बीच लगाया गया है, जो कि आप सभी लोग ने अभी देख ही लिया होगा। उसके साथ साथ इसमें जो सीट है वो भी यहाँ पे कस्टम मेड लगाई गई है, और आप लोग देख सकते हैं इसका ओवरऑल डिज़ाइनिंग पीछे से प्रोफाइल से गाड़ी काफ़ी अलग दिखती है, स्पेशली जो इसका ओवरऑल डिज़ाइन बिल्ड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग पीछे से इसका टेल लैम्प देखिए, टेल लैम्प की प्लेसमेंट देखिए कितनी अच्छी तरीके से की गई है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो पीछे का टायर वाला जो लुक पीछे आया है वो देखने में मस्त लग रहा है। उसके साथ साथ आप इसका एग्जॉस्ट देख रही है, काफ़ी छोटा सा एग्जॉस्ट है, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें कस्टम एग्जॉस्ट लगाया गया है। इस मोटरसाइकिल का ये मोटरसाइकिल जब भी कंप्लीट होगी मैं डेफिनेटली आप सभी को इसका एक बहुत अच्छा एक राइड वाले वीडियो के साथ मैं आप सभी को इसका वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट साउंड एंजॉय करिए, और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसी लग रही है आपको ये कस्टमाइज रंबल 411, जो कि एक कस्टम रॉयल एनफील्ड है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।